हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित कुमार। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है पोटेंशियल जी। अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल पोटेंशियल जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए CSIR, NET, GATE, जस्ट टिफिर एग्ज़ाम से रिलेटेड फिजिकल साइंस के वीडियोस और लेक्चर लेके आता हूँ, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में हेल्प हो सके और आपका सिलेक्शन हो सके। सही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आगे मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है और मेरा नाम है ललित कुमार। तो अगर अभी तक आपने मेरे को अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो आप जाकर मेरे को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए। मैं वहाँ पर भी फिजिकल साइंस के लेक्चर बनाता हूँ और आप उन जाकर उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अब मैं अनअकैडमी पर एक प्लस एजुकेटर भी हूँ और मैं यहाँ पर आपको लाइव पढ़ाता हूँ। और मेरी जो यहाँ पे लाइव क्लासेस होती हैं वो मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक होती हैं और शाम को 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक होती हैं। तो आप मेरे को यहाँ पर दोनों टाइम ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको मेरा इस प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्स को लेना होगा। आप यहां पर देख सकते हैं, ये हमारे पास 4 तरीके के प्लान हैं। एक प्लान है हमारे पास 1 मंथ का, एक है 3 मंथ का, एक है 6 मंथ का और एक है 12 मंथ का। तो आप इसमें से कोई सा भी प्लान अपने इच्छा अनुसार चूज कर सकते हैं, लेकिन आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे 12 मंथ का प्लान लीजिए। सर, ये 12 मंथ का प्लान आपको पड़ेगा यहाँ पर 9,000 रुपये का। तो यहाँ पर आपको ये पड़ेगा 12 मंथ का प्लान 9,000 रुपये का। तो आप इसको ले सकते हैं और अपने लर्निंग को बढ़ा सकते हैं, अपने सिलेक्शन के चांसेस को यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे डिस्काउंट चाहिए तो आप डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड पोटेंशियल जी का यूज कर सकते हैं। ये मेरा रेफरल कोड है पोटेंशियल जी। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल जी है इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। आप पूरा का पूरा पोटेंशियल जी यहाँ पे टाइप करेंगे बिना किसी स्पेस के। सही है। तो अगर आप इसको यहाँ पे टाइप करते हैं तो आपको यहाँ पर 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। सही है। और आप अपने क्वाइंस का भी यूज कर सकते हैं। क्वाइंस का यूज करने से भी आपको यहाँ पर 10% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। क्वाइंस वो होते हैं जो आप रोज अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर वीडियोस देखते हैं तो आपको रोज डेली के वहाँ पे कुछ क्रेडिट्स या क्वाइंस मिलते हैं जिसके हेल्प से आप वहाँ पर डिस्काउंट पा सकते हैं। सही है फ्रेंड्स। तो आप जल्दी से 12 मंथ का प्लान का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपने लर्निंग को कंटिन्यू कीजिए। तो अब आते हैं आज के वीडियो पे, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैग्रेंजियन। तो आज हम लैग्रेंजियन के 2 क्वेश्चन और करेंगे, और पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। तो अब हम अपना पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझने की कोशिश करना। और पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये मेरे पास क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन है। ये आप मान सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन है। और इसका मास कितना है हमारे पास, कैपिटल एम। इस पार्टिकल का मास, मतलब इस बॉक्स का या इस ब्लॉक का मास कितना है हमारे पास, कैपिटल एम। ये हमारे पास एक ब्लॉक है, इसका मास कितना है, कैपिटल एम। सही है फ्रेंड्स। और इसका जो हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मतलब इसका जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है इस ब्लॉक का, वो सपोज करो मेरे पास है कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड। ये है हमारे पास। और इसके ऊपर यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर हमारे पास एक पार्टिकल रखा हुआ है, इसका मास कितना है मेरे पास, स्मॉल एम। इसका मास कितना है, स्मॉल एम। और इस पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट हैं वो कितना है, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई और स्मॉल जेड। ये है मेरे पास। अब फ्रेंड्स, होता क्या है कि ये ब्लॉक मेरा एक्स डायरेक्शन में मूव करता है। सपोज करो ये ब्लॉक मेरा एक्स डायरेक्शन में इधर की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। सही है। तो अब ये ब्लॉक मेरा एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब सपोज करो ये एक्स डायरेक्शन में इतना इसने मूव करा। सही है। ये ब्लॉक एक्स डायरेक्शन में इतना क्या कर देता है, मूव कर देता है। ये डायरेक्शन कितनी है इसकी, कैपिटल एक्स, क्योंकि ब्लॉक मूव कर रहा है। और ब्लॉक के कोऑर्डिनेट कितने हैं, ब्लॉक के कोऑर्डिनेट है कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड। तो ब्लॉक कैपिटल एक्स डिस्टेंस क्या करेगा, मूव करेगा, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड हैं। और ब्लॉक मूव कर रहा है। सही है, ब्लॉक मूव कर रहा है। तो ब्लॉक का मूवमेंट कितना होगा, कैपिटल एक्स होगा। तो ये आ गया हमारे पास ब्लॉक का मूवमेंट, कैपिटल एक्स। सही है।
तो अब हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। तो पहले हम ब्लॉक एम की, यानी कि ब्लॉक कैपिटल एम की काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, क्योंकि हम सबको पता है जो हमारे पास लैग्रेंजियन होता है वो होता है एल इजिकल टू टी माइनस का वी। तो ये होता है हमारे पास। तो पहले हम लिखते हैं फॉर, सही है, कैपिटल एम। कैपिटल एम के लिए हम लिखते हैं क्या, यहाँ पे इसका पोटेंस, ओ काइनेटिक एनर्जी। तो ये होगा हमारे पास टी, इसको हम टी वन मान लेते हैं। तो ये होगा हमारे पास वन अपॉन का टू कैपिटल एम और एक्स कैपिटल एक्स डॉट का स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल एक्स डॉट का स्क्वायर ये होगा मेरे पास। सही है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारे पास। अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो मैं आपको बताऊंगा इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, क्योंकि ये ब्लॉक हमारा सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। और हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, वो कितने हैं, जीरो जीरो जीरो। सही है, ये ब्लॉक हमारा सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, एक सरफेस के ऊपर, जैसे कि अर्थ। अर्थ को मैं अपनी ओरिजिन मान लेता हूं, तो अर्थ से इस ब्लॉक का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। सही है, तो इसके लिए यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वी वन, वो कितना आ जाएगा, जीरो। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं फॉर मास एम, स्मॉल एम के लिए। स्मॉल एम का मतलब है इस वाले पार्टिकल के बारे में। हम क्या कर रहे हैं, अब चर्चा करेंगे इस वाले पार्टिकल के बारे में। तो फ्रेंड्स अब देखिए, अगर ये जो मेरा ब्लॉक एम है, अगर ये कैपिटल एक्स एक्सिस में मूव करेगा, तो हमारा जो ये पार्टिकल है, ये स्मॉल एम भी है, ये भी कैपिटल एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा। और साथ में ये जो मेरा पार्टिकल स्मॉल एम है, ये नीचे की तरफ क्या हो रहा है, हमारा सरक रहा है, नीचे की तरफ लुढ़क रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। सही है, तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा ये स्मॉल एम है, स्मॉल एम, इसके पास हमारी दो काइनेटिक एनर्जी होंगी, मतलब दो वेलोसिटी होंगी। एक होगी हमारी कैपिटल एक्स डायरेक्शन में और एक होगी हमारी स्मॉल एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि ये ब्लॉक के साथ साथ मूव भी कर रहा है और ये हमारा सरक भी रहा है। सही है, तो ये होगा। तो अब आप देखिए, ये हमारा कहाँ पर है, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है। और मैंने आपको बताया था 2D में, 2D में जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी एक्स डॉट का स्क्वायर और वाई डॉट का स्क्वायर। तो हम इसकी काइनेटिक एनर्जी को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। सही है, ये होगा हमारे पास T2, और T2 इज इक्वल टू, पहले हम दिखते हैं एक्स डायरेक्शन में, टोटल एक्स डायरेक्शन में, टोटल एक्स डायरेक्शन में कितना होगा हमारे पास, वन अपॉन टू स्मॉल एम, ये होगा हमारे पास स्मॉल एक्स डॉट का स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल एक्स डॉट के स्क्वायर से ये मूव भी करेगा और प्लस ये हमारा ब्लॉक के साथ भी क्या करेगा, मूव करेगा। तो कैपिटल एक्स का स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सही है, तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ये हमारे पास ये होगा और ये हमारे पास ये होगा, इस पूरे का होल स्क्वायर होगा। सही है, इस पूरे का ये होल स्क्वायर होगा, यानी कि एक्स डॉट प्लस कैपिटल एक्स डॉट, क्योंकि ये जो हमारे पास स्मॉल एम पार्टिकल है, इसका टोटल कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अगर मैं इसके टोटल कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, अगर आप देखेंगे इसका जो टोटल कोऑर्डिनेट होगा, इसका जो टोटल कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, वो होगा मेरे पास एक्स प्लस का एक्स। सही है, ये होगा इसका टोटल कोऑर्डिनेट इन एक्स डायरेक्शन, यानी कि स्मॉल एक्स प्लस का कैपिटल एक्स। तो ये आ जाएगा। अब ये वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि ये इंक्लाइंड है, ये हमारा कुछ एंगल पर है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वाई डायरेक्शन में, वन अपॉन टू स्मॉल एम वाई डॉट का स्क्वायर। सही है, तो ये आ गया हमारे पास स्मॉल एम पार्टिकल के लिए। अब आप देखिए, जो जो हमारा स्मॉल एम पार्टिकल है, स्मॉल एम पार्टिकल, इसके पास हमारे टोटल कोऑर्डिनेट कितने हैं एक्स डायरेक्शन में। एक तो ये ब्लॉक के साथ साथ मूव कर रहा है और दूसरा ये लुढ़क भी रहा है। सही है, तो ये हमारे पास एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा स्मॉल एक्स, और ये हमारे पास है कैपिटल एक्स। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, एक्स प्लस कैपिटल एक्स। तो ये हो गया। तो अब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, वन अपॉन टू, मतलब काइनेटिक एनर्जी वन अपॉन टू एम एक्स स्मॉल एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस कैपिटल एक्स डॉट का। सही है, ये आ जाएगा होल स्क्वायर, मतलब
स्मॉल एक्स डॉट प्लस कैपिटल एक्स डॉट का होल स्क्वायर और प्लस 1/2 my डॉट का स्क्वायर। तो ये आ गया फ्रेंड्स हमारे पास, सही है। अब हम लिख लेते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, तो अब आप देखिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास यहाँ से आएगी, ये हमारे पास होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये वाई डिस्टेंस पर है। अब ये हमारे पास कितना है वाई, इसका इसके इसका कोऑर्डिनेट कितना है वाई एक्सिस पे, स्मॉल वाई, ये हमारे पास है स्मॉल वाई। तो हमारे पास कितना आ जाएगा इसका एम जी वाई, लेकिन प्लस का, क्योंकि क्योंकि हमारे जो ओरिजिन है वो नीचे हैं और ये नीचे से ऊपर की ओर है, तो मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो एम जी वाई। तो ये हो गया हमारे पास एम जी वाई, वाई आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो वाई है वो किसकी फॉर्म में आ जाए, वो हमारे अल्फा की फॉर्म में आ जाए। अगर हम चाहते हैं तो हम अपने वाई को अल्फा की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं अपने इस वाई को यहां से टर्मिनेट करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा वाई एक्स की फॉर्म में ही आ जाए। हम क्यों बेकार में दो दो कोऑर्डिनेट के चक्कर में पड़ें, जब हमारे पास एक सिंगल कोऑर्डिनेट है। तो मान लो ये एंगल मेरा कितना है अल्फा, ये एंगल है मेरे पास अल्फा। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो आपको पता है जो हमारा टैन अल्फा होता है वो होता है हमारे पास वाई अपॉन एक्स, ये होता है हमारे पास एक्स, है ना। तो यहाँ से हमारे पास वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स टैन अल्फा। तो ये आ गया हमारे पास एक्स टैन अल्फा। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे एम जी, सही है, एम जी x tan alpha। तो देखा आपने, हमने इसको x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, y डॉट आ रहा है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ दूसरे कलर के साथ, तो ये आ जाएगा मेरे पास y डॉट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे tan अल्फा तो हमारा कांस्टेंट है क्योंकि ये एंगल हमारा एक पर्टिकुलर एंगल होगा, तो ये कांस्टेंट है, तो tan अल्फा का तो हम नहीं करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो ये हो जाएगा हमारे पास x डॉट टैन अल्फा, सही है। तो ये आ गया, तो अब इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, तो यहाँ पे हम रख देंगे कितना 1/2 स्मॉल m, ये हो जाएगा x डॉट का स्क्वायर और tan स्क्वायर अल्फा। तो हमारे पास ये चीजें यहाँ से आ जाएंगी, सही है फ्रेंड्स। तो अब हमारे पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गई वो कितनी हो जाएगी, तो पहले तो हम लिख लेते हैं अपनी टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी T इज इक्वल टू टी वन प्लस का टी टू, सही है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको पुट कर लेंगे कितना 1/2, ये हो जाएगा कैपिटल M और कैपिटल X डॉट का स्क्वायर प्लस का, फिर आ जाएगा 1/2 स्मॉल m, और ये था हमारे पास स्मॉल X डॉट प्लस कैपिटल X डॉट का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है कैपिटल X डॉट का स्क्वायर, फिर है हमारे पास प्लस 1/2, ये था हमारे पास स्मॉल m, और यहाँ पे था हमारे पास y डॉट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास x डॉट का स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। तो हमारे पास ये आ गया। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हम इसका यहाँ पे इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 कैपिटल m x डॉट का स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 स्मॉल m, और यहाँ से अब आप देखेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा x डॉट का स्क्वायर प्लस, फिर आ जाएगा हमारे पास कैपिटल x का स्क्वायर, सही है। हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, गलत हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास कैपिटल x डॉट का स्क्वायर, ये आ गया, फिर आ जाएगा प्लस 2, सही है, स्मॉल x डॉट, फिर आ जाएगा कैपिटल x डॉट, सही है, और फिर आ जाएगा प्लस 1/2, ये आ जाएगा हमारे पास स्मॉल m कैप स्मॉल x डॉट का स्क्वायर और tan स्क्वायर अल्फा, ये आ गया हमारे पास। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इस 1/2 m से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, सही है, तो ये आ जाएगा 1/2 कैपिटल m, ये आ जाएगा x डॉट का स्क्वायर प्लस, फिर आ जाएगा 1/2 स्मॉल m स्मॉल x डॉट का स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस 1/2 स्मॉल m कैपिटल x डॉट का स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस, सही है। अब इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, ये आ जाएगा स्मॉल m स्मॉल x डॉट, सही है, फिर आ जाएगा कैपिटल x डॉट,
फिर आ जाएगा प्लस 1/2 स्मॉल m, सही है, x डॉट का स्क्वायर और tan स्क्वायर अल्फा। अब आप देखिए ये हमारे पास क्या है कैपिटल x और ये भी हमारे पास क्या है कैपिटल x, तो हम यहाँ से इसको कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या सही है t, ये आ जाएगा 1/2 कैपिटल x डॉट का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास कैपिटल m प्लस का स्मॉल m, सही है, ये आ गया हमारे पास और प्लस का साइन। अब आप देखिए यहाँ से हमारे पास क्या बचा, अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए ये हमारे पास हो गया, तो अब हमारे पास ये आ रहा है, ये हमारे पास है दिस, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, सही है, तो ये आ जाएगा मेरे पास स्मॉल m और x डॉट, फिर आ जाएगा हमारे पास कैपिटल x डॉट, अब आ जाएगा प्लस का साइन। अब आप देखिए यहाँ पे ये हमारे पास क्या है m स्मॉल m x डॉट का स्क्वायर और ये हमारे पास स्मॉल m x डॉट का स्क्वायर, तो ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1/2 स्मॉल m और स्मॉल x डॉट का स्क्वायर कॉमन, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 का tan स्क्वायर अल्फा, तो ये आ गया हमारे पास, सही है फ्रेंड्स। तो ये पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या थी, V1 प्लस का V2 और V1 तो हमारे पास जीरो था और ये था प्लस का mg, सही है, ये था हमारे पास x tan अल्फा, तो ये आ गया हमारे पास। तो L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, t माइनस का v, तो अब हम यहाँ पे t माइनस का v लिख लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 फिर आ जाएगा कैपिटल x डॉट का स्क्वायर, ये आ जाएगा कैपिटल m प्लस का, ये आ जाएगा स्मॉल m, फिर आ जाएगा प्लस का स्मॉल m, ये आ जाएगा x डॉट, फिर आ जाएगा कैपिटल x डॉट, फिर आ जाएगा प्लस का 1/2, ये आ जाएगा स्मॉल m, फिर आ जाएगा स्मॉल x डॉट का स्क्वायर 1+, ये आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा और फिर आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा अब माइनस का v, अब माइनस, सही है, माइनस फिर आ जाएगा एम जी एक्स tan अल्फा, तो ये आ गया हमारे पास टोटल लैग्रेंजियन, तो ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल लैग्रेंजियन आ गया। तो फ्रेंड्स ये आ गया हमारे पास लैग्रेंजियन, तो अब आपने यहाँ पे लैग्रेंजियन निकाल लिया, आप क्या निकाल सकते हैं इसका यहाँ पे, अब आप यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है इक्वेशन ऑफ मोशंस को कैलकुलेट करने की क्योंकि एग्जाम में सिर्फ आपसे लैग्रेंजियन ही पूछा जाता है। तो अब हम करते हैं यहाँ पे अपना दूसरा क्वेश्चन, सही है, और हमारा जो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से होगा। तो अब हम करते हैं यहाँ पे अपना सेकेंड क्वेश्चन, तो आइए आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं और वो किस तरीके से हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं और उसकी बात हम यहाँ पे अब करते हैं, सही है फ्रेंड्स। तो अब हम यहाँ पे अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, तो अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये हमारे पास क्या है एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये हमारे पास है एक स्प्रिंग, इस तरीके से ये हमारे पास एक स्प्रिंग है और यहाँ पे हमारे पास क्या है एक मास कनेक्टेड है, ये हमारे पास एक मास यहाँ पे कनेक्टेड है इस तरीके से, और ये इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है के, और ये हमारे पास कितना है ए प्लस का एक्स, और यहाँ पे ये हमारे पास है ए प्लस का एक्स कॉमा जीरो, ये हमको दिया हुआ है और इसका मास हमको दिया हुआ है कैपिटल एम, और ये हमारे पास क्या है यहाँ से एक पेंडुलम, सही है, ये हमारे पास क्या जा रहा है एक पेंडुलम जा रहा है इस तरीके से, और इसके कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास x1 और y1, ये हमारे पास है इसके कोऑर्डिनेट और ये बना रहा है यहाँ से एंगल थीटा, सही है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये हमारे पास क्या है ओरिजिन 0 0, सही है, ये हमने यहाँ पे इसको ओरिजिन मान लिया, ये हमारे पास क्या है इसका ओरिजिन है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं और इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास एल। तो अब हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी, सही है फ्रेंड। तो अब जो ये हमारे पास कैपिटल एम मास है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी कैपिटल एम मास की ये हो जाएगा T1 1/2, ये हो जाएगा हमारे पास कैपिटल एम और ये आ जाएगा एक्स डॉट का स्क्वायर, ये आ गया इसका हमारे पास T1, सही है। तो ये तो हमारे पास T1 आ गया, हमने अब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो होगी 1/2 k
के एक्स का स्क्वायर, ये हो गई हमारे पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब हम निकाल लेते हैं पेंडुलम की, सही है। तो पेंडुलम के लिए हम मान लेते हैं टी टू। अब यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास एक्स वन है, ये हमारे पास वाई वन है, तो ये हो जाएगा वन अपॉन का टू स्मॉल एन, और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स वन डॉट का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा वाई वन डॉट का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास एक्स वन डॉट का स्क्वायर प्लस वाई वन डॉट का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे एक्स वन और वाई वन की वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि हमारा एक्स वन क्या है और वाई वन क्या है, सही है। फिर अब साथ में हम यहाँ पे वी टू भी लिख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस के एम जी वाई वन। माइनस का साइन क्यों लिया, क्योंकि ये हमारा ओरिजिन है और वाई हमारा नीचे की तरफ है, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं वाई वन लिखता हूँ तो यहाँ पे आएगा वाई वन इज इक्वल टू, ये होगा माइनस के एल कॉस थीटा, सही है। ये आएगा कितना, माइनस के एल कॉस थीटा। तो ये हमारे पास कितना आ गया, माइनस का एम जी एल कॉस थीटा, ये आ गया हमारे पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब मेरे को एक्स वन और वाई वन की वैल्यू निकालनी है, तो हम अब x1 और y1 की वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, सही है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे x1 और y1 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास जो x1 और y1 होगा वो कितना आ जाएगा, तो अब हम यहाँ पे x1 और y1 की वैल्यू लिख लेते हैं। तो आप देखिए, जो हमारे पास यहाँ पे x1 है, ये हमारे पास जो x1 है ये कितना होगा, सही है। तो अब हम यहाँ पे x1 देखते हैं, तो x1 हमारे पास कितना होगा, तो देखिए ये हमारे पास है x1, तो ये हमारे पास, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी है a प्लस का x, तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये तो है हमारे पास a प्लस का x यहाँ से यहाँ तक, सही है। और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी हमारे पास l साइन थीटा, ये होगा। तो ये हो गया हमारे पास, तो x1 कितना आ गया हमारे पास, तो x1 आप देख सकते हैं, तो x1 आया हमारे पास a प्लस का x प्लस का l साइन थीटा, यह आ गया हमारे पास x1। तो x1 हमारे पास आ गया, और y1 हमारे पास कितना था, तो y1 हमारे पास कितना था, माइनस का l cos थीटा, ये था हमारे पास y1 की वैल्यू। अब हम निकाल लेंगे x1 डॉट, तो हमारे पास जो x1 डॉट आ जाएगा तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास x डॉट, सही है, प्लस का l cos थीटा और थीटा डॉट, ये आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास y1 डॉट कितना आ जाएगा, तो y1 डॉट आ जाएगा हमारे पास l sin थीटा और थीटा डॉट, सही है, ये आ गया। अब हमको क्या दिया हुआ है, x1 डॉट का स्क्वायर, तो x1 डॉट का स्क्वायर निकाल लेंगे, तो इसको हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x डॉट का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस फिर हो जाएगा 2x डॉट l, ये हो जाएगा थीटा डॉट और cos थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास, सही है फ्रेंड्स। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे y1 डॉट का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास l स्क्वायर, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और थीटा डॉट का स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर है, थीटा डॉट का स्क्वायर, थीटा डॉट का स्क्वायर कॉमन आ गया, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ एक्स वन डॉट का स्क्वायर और वाई वन डॉट का स्क्वायर, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस फिर आ जाएगा एल स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस फिर आ जाएगा 2, ये आ जाएगा हमारे पास x डॉट, फिर आ जाएगा हमारे पास l थीटा डॉट और cos थीटा, तो ये आ गया। अब हम इसकी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देंगे, किस वाली इक्वेशन में, यहाँ पर, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमारे पास t2 आ जाएगा। तो t2 हमारे पास कितना हो जाएगा, तो t2 हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन का 2 m, ये आ जाएगा, ये हमारे पास क्या था, x डॉट का स्क्वायर, फिर था हमारे पास l स्क्वायर, सॉरी ये था हमारे पास l स्क्वायर, अब आप देख सकते हैं l स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस फिर कितना हो गया हमारे पास 2x, ये हो गया हमारे पास 2x डॉट थीटा डॉट, ये हो गया l और cos थीटा, सही है, cos थीटा, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, सही है, 1 अपॉन 2m से इसको डिवाइड कर दी, वो 1 अपॉन 2m से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो ये आ जाएगा हमारे पास 2t2 इज इक्वल टू 1 अपॉन का 2m, ये हो गया x डॉट का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन 2m l स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा m x डॉट, सही है, थीटा डॉट एल कॉस थीटा, ये आ गया हमारे पास t2। तो अब हम यहाँ पे लैग्रेंजियन लिख सकते हैं, तो हमारा जो लैग्रेंजियन होगा उससे लिए हम पहले लिख लेते हैं t इज इक्वल टू t1 प्लस का t2, सही है। तो अब आपके पास t1 कितना था, 1 अपॉन 2 कैपिटल m, और ये था हमारे पास x डॉट का स्क्वायर, और t2 कितना आ गया 1 अपॉन का 2 स्मॉल m x डॉट का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्मॉल m, ये हो गया l स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, फिर आ गया स्मॉल m x डॉट थीटा डॉट और l cos थीटा, ये आ गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा x डॉट कॉमन आ रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास t इज इक्वल टू 1 अपॉन का 2, ये आ गया हमारे पास t इज इक्वल टू 1 अपॉन का 2, ये आ गया हमारे पास कैपिटल m प्लस का स्मॉल m और x डॉट का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास, और प्लस फिर आ जाएगा हमारे पास दिस, ये आ जाएगा प्लस 1 अपॉन का 2 स्मॉल m l स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, और फिर आ गया हमारे पास कितना, ये आ जाएगा स्मॉल m, ये आ जाएगा हमारे पास x डॉट, फिर आ जाएगा हमारे पास थीटा डॉट, सही है, ये हो गया l cos थीटा। अब हम लिख लेंगे यहाँ पे लैग्रेंजियन, तो लैग्रेंजियन कितना हो जाएगा t माइनस का v, तो ये हो गया हमारे पास 1 अपॉन का 2, सही है, कैपिटल m स्मॉल m और x डॉट का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, ये हो गया हमारे पास स्मॉल m l स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, फिर आ गया स्मॉल m x डॉट थीटा डॉट, ये हो गया हमारे पास l cos थीटा। अब हम लिख लेंगे लैग्रेंजियन, तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 के x स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का, सही है, एम जी एल कॉस थीटा, तो ये आ गया हमारे पास इसका लैग्रेंजियन। अब आप इसका यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशंस को फाइंड कर सकते हैं, और चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, सही है फ्रेंड। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका टोटल लैग्रेंजियन आ चुका है, तो ये हमारे पास क्या है, इस इक्वेशंस का लैग्रेंजियन। तो इस टाइप से हम अपने सभी यहाँ पे लैग्रेंजियन को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गए होंगे, तो आप इस तरीके से अपने सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।